देखिए आपको बहुपद दिया गया है, गिवन पॉलिनोमियल, बहुपद जो कि आपको दिया गया है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6। px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 ये आपका एक बहुपद है। इस बहुपद के दो शून्यक हैं, क्यों दो शून्यक क्यों होंगे, क्योंकि इसमें जो चर है जो वेरिएबल है उसका पावर 2 है, मैक्सिमम पावर 2, देयरफॉर इसलिए यह एक द्विघाती बहुपद है। यह द्विघाती बहुपद है। अब इस द्विघाती बहुपद, इस द्विघाती बहुपद का पहला शून्यक हो गया आपका अल्फा और दूसरा हो गया बीटा, ये दो शून्यक है, पहला शून्यक अल्फा दूसरा बीटा। अब हमें क्या निकालना है, हमें शून्यकों का योगफल, अल्फा और बीटा का योग, अल्फा और बीटा का योग, अल्फा और बीटा का योगफल निकालना है। क्वेश्चन मार्क मतलब ये चीज हमें निकालना है, और हमें क्या निकालना है, अल्फा इंटू बीटा का गुणनफल हमें निकालना है। क्वेश्चन मार्क अल्फा इंटू बीटा का गुणनफल भी हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अब गिवन प्रोडक्ट हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है कि px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6। अब जो हमें दिया गया है बहुपद, इस बहुपद की हम तुलना किससे करेंगे, एक जनरल व्यापक बहुपद से करेंगे। कौन से बहुपद से करेंगे, व्यापक बहुपद से इसकी तुलना करेंगे। और व्यापक बहुपद क्या होता है, व्यापक या मानक बहुपद यह होता है, इसको मानक बहुपद का समीकरण कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद का मानक समीकरण, मानक बहुपद। यहां पे a बराबर कितना है, a इज 1। देखो तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, x स्क्वायर का गुणांक a है, x स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो a की जगह 1, b की जगह कितना आएगा बताओ, b बराबर कितना, वेरी गुड, b बराबर कितना बेटा, बी इज इक्वल टू माइनस, नहीं दिख रहा क्या, बैठ जा, माइनस बोला करो, चिन्ह हो तो चिन्ह जरूर बोला करो, प्लस को बोलने का जरूरत नहीं पड़ता है, माइनस को बोलना पड़ता है। सी कितना बोलो, माइनस छ। समझ आ गई मेरी बात सबको, ए बी सी का वैल्यू हमने ज्ञात कर लिया कि ए कितना बी कितना सी कितना। अब यहां पे आ जाएंगे हम, हमें क्या ज्ञात करना है, अल्फा प्लस बीटा इस क्वेश्चन मार्क, तो बताओ अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे, a, वेरी गुड, माइनस बी बटे ए, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस, और b बोले तो कितना, b बोले तो माइनस का 2, तो बी की जगह माइनस का 2। अब 2 माइनस 2 बार आ गया तो कोष्टक, क्योंकि माइनस आ जाता है तो डेंजर जोन, मैंने बोला माइनस का मतलब क्या, डेंजर जोन, और जब भी डेंजर आ जाता तो ब्रैकेट लगा दो, सिक्योरिटी गार्ड को बिठा दो, ये सिक्योरिटी गार्ड बैठ गया है ना। और ए बोले तो कितना, ए बोले तो 1, तो 1 नीचे लिखने का कोई जरूरत नहीं, 1 तो नीचे रहता है, तो माइनस माइनस और कोष्टक मतलब गुणा, माइनस माइनस का प्लस हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमने कितना निकाल लिया, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना निकला, 2। अब हमें क्या निकालना है, एक चीज और निकालना है इस सवाल में, एक चीज और निकालना थी, कौन सी चीज निकालना थी, गुणनफल, ये निकला शून्यकों का योगफल। अब बाकी रह गया शून्यकों का गुणनफल, तो पहला शून्यक अल्फा, दूसरा शून्यक बीटा, बीच में गुणा यानी गुणनफल क्या होता है, बोलो शून्यकों का गुणनफल कितना होता है, बोलो बेटा तुम बोलो, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या सूत्र है बेटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है बेटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर
वेरी गुड, सी बटे ए, बिल्कुल सही जवाब। इस बच्ची के लिए ताली बजा दो। चलो अब सी कितना भैया आपका, सी वहां से उठा लेंगे तो वेरी गुड, माइनस का छे, और ए कितना, बोले एक, माइनस छे बटे एक, एक लिखो या ना लिखो, एक लिखो या ना लिखो, एक तो होता है बटे में। और इस तरीके से हमने इस सवाल को कंप्लीट किया। अल्फा इंटू बीटा इज माइनस सिक्स एंड अल्फा प्लस बीटा इज प्लस टू। इजी, सिंप्लीफाई, सरल कर दिया। सरल हुआ कि नहीं हुआ? तो भी गणित में इंटरेस्ट आना चाहिए, गणित को हंसते हुए मुस्कुराते हुए और पूरे प्रसन्नचित मन से हमें गणित सीखना है। गणित सीखते समय आपके चेहरे पे मुस्कान होना चाहिए। ज्यादा गंभीरता से अगर गणित सीखोगे तो नहीं सीख पाओगे, ठीक है ना। कठिन कार्य को जब भी करो मुस्कुराते हुए करो तो कठिन कार्य सरल लगता है। कठिन कार्य गणित कठिन मानते हो कि नहीं? अब कठिन कार्य कर रहे हैं तो हमें मुस्कुराते करना चाहिए, तो कठिन सरल बन जाता है। चलो अब इसमें आपको अगला प्रश्न है, उतार लिया सबने। चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका 3x square